हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस पौधे के बारे में बात करूंगी। ये वाइन है, एक्चुअली सक्यूलेंट वाइन है। इसके बारे में बात करूंगी। इसे हड जोड़ कहते हैं। हड्डी को जो फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं उसके उसके ठीक करने में, ट्रीटमेंट में ये काम आता है। ये सक्यूलेंट वाइन है और इसका जो स्टेम होता है, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं हम नोड्स हैं। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे लगता है जैसे स्टेम छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ है। यहाँ ये आपको और क्लियर दिखेगा, देखिए ऐसे लगता है छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ है। ये छोटे छोटे पीसेस हैं, जैसे ऐसे लगता है। देखिए ये इसके एक्चुअली नोड्स हैं और ये रूट देखिए कैसे निकल रही है बरसातों में अभी इस नोड में से। और इसके जो स्टेम्स हैं ये देखिए, ये चार कोने होते हैं, इसको क्वाड्रेंगुलर होता है। ये देखिए, ये एक कोना, दो कोना, तीन, चार, चौकोर होते हैं ये, और फ्लैशी है एकदम। और यहाँ कोने से तो लेदरी सा है ये जो कोने हैं यहाँ से, और बीच में से ये फ्लैशी है और इसीलिए ये सक्यूलेंट है। और इसमें देखिए अभी बरसात के मौसम में ऐसे पत्ते भी आते हैं और फ्लावर्स भी आते हैं इसमें, अभी नहीं है। ये देखिए पत्ते भी आए हुए हैं। तो और सर्दी के दिनों में ये पौधा एकदम से ऐसे मर जाता है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल हट गया, ख़राब हो गया है। फ्रॉस्ट को ये बर्दाश्त नहीं करता है, फ्रॉस्ट में ये ख़त्म हो जाता है पौधा। तो थोड़ा जिनके एरिया में फ्रॉस्ट है वहाँ बचाइए। और अब देखिए ये इतने से गमले में लगा हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ तो मैंने पहले नीचे लगाया हुआ था, अब इस बड़े गमले में है तो शायद इसकी ये देखिए जड़ें इस गमले में चली गई हैं, ये देखिए। और सर्दियों में तो पहले ये यूं ही रखा हुआ था, अभी मैंने एक दिन इसमें रख दिया तो जड़ें इसके अंदर चली गई हैं। और देखिए कितना ग्रो कर गया है, कितना ऊपर तक, ये देखिए कहाँ कहाँ तक ये ग्रो कर गया है, बिल्कुल ऊपर तक। बड़ा इजी टू ग्रो है। कल परसों एक व्यूअर है, उनका कोई कमेंट आया कि हमारा ये कभी भी नहीं बचता। दो चार बार बोल चुके हैं कि इस पर वीडियो बनाए। और ये कोने में पड़ा रहता है, मेरे को किसी के घर से लाई थी मैं, तो ये एज अ वैरायटी एक चीज़ ले आई थी। ध्यान भी नहीं जाता इस पर वीडियो बनाऊँ, तो दो तीन बार उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलिए इस पर बनाते हैं। और मिट्टी इसको देखिए वेल ड्रेन्ड रखिए, और छोटी सी जगह में भी लग जाता है इसको, रूट बाउंड पॉट अच्छा लगता है। देखिए कितने छोटे से पॉट में, 2 साल हो गए होंगे इसको करीब लगे हुए इसी पॉट में। छोटा सा पीस ला के मैंने लगाया था, और बस इसका प्रोपेगेशन भी आसान है। ऐसे देखिए कोई भी स्टेम का इतना सा पीस लीजिए ये, और देखिए इसमें रूट्स भी निकल रही हैं। और इसको ऐसे लगा दीजिए बस, और मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए। एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए और उसमें डेढ़ हिस्सा सॉइल डाल, रिवर सैंड डाल लीजिए, और एक हिस्सा खाद। खाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, पुअर सॉइल में भी लग जाता है, तो खाद आप थोड़ी सी कम भी डालेंगे। जैसे आप सब गमलों के लिए मिट्टी बनाते हैं ना, बस वैसी मिट्टी इसके लिए बनाइए। और ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है अभी। और अगर बड़े गमले में आपके लगाया हुआ है तो फरवरी में एक बार इसको थोड़ी खाद दे दें, थोड़ी सी 150-200 ग्राम के करीब। अगर बड़ा गमले में लगाया हुआ है आपने तो सफिशियंट रहेगा, और ज़्यादा इसको हर वक्त लिक्विड खाद और दूसरी देने की ज़रूरत नहीं है। ये पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना इसको, क्योंकि ये सक्यूलेंट है, गल जाएगा बहुत ज़्यादा पानी देंगे आप तो। और इसको बस सुबह सुबह की धूप मिल जाए बहुत है, बहुत ज़्यादा हर वक्त धूप नहीं चाहिए इस पौधे को। मैंने इसको छत पे लगाया हुआ है और इस कोने में वैसे तो धूप है, देखिए छत में होता है, लेकिन ये जो पिलर आपको दिख रहा है इस पिलर की, इसको बहुत ज़्यादा दोपहर में इसकी छाया रहती है, तो ऐसे ही इसको मतलब बहुत दोपहर की धूप ना मिले ऐसी जगह लगाएं। और अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो भी इसको बस सुबह सुबह की थोड़ी सी धूप मिल जाए या शाम की तो चल जाता है। बहुत ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं है इस पौधे की, खाद की भी नहीं है और पानी भी इसे कम चाहिए। तो ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। देखिए छोटा सा मैंने लगाया हुआ है इतने से गमले में और कैसे चल रहा है। तो बस मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, और मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं। और देखिए इसमें थोड़े थोड़े ना ऊपर फ्लावर्स भी लग रहे हैं, अगर ये दिया दिखा पाए तो, वो इनफ्लोरेसेंस लगे हुए हैं हमें इतनी ऊपर से अभी। हाँ ये देखिए, ये इसमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, सीज़न में लगते हैं ये। तो बस यही बताना था मुझे इस पौधे के बारे में। ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती कि मेरे कहने से आप लोग यूज़ नहीं करें। थोड़ा कोई आपको वैद्य वगैरह कोई बताएं आयुर्वेदिक वाले, उन्हीं के
उससे यूज़ करना चाहिए। वैसे कहते हैं ये डाइजेशन वगैरह इनडाइजेशन वगैरह हो उसके लिए भी अच्छा, और कैसे क्या लेना है ये मुझे नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।